दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 को बिग बॉस के इतिहास का सबसे सफल सीजन माना जाता है और उस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला के लिए लगभग 13 मिलियन की वोटिंग हुई थी, लेकिन फाइनली बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में वो रिकॉर्ड अब टूट चुका है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सीजन 13 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहां पर एल्विस आर्मी ने अपने एल्विस भाई के लिए वोट करते हुए 13 मिलियन का आंकड़ा पूरा कर डाला है। और दोस्तों यहां पर 13.7 मिलियन के साथ एल्विस यादव वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 पर बने हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अभी भी फुकरा इंसान है जिनको कि 12.8 मिलियन से भी ज्यादा वोट हासिल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, वोटिंग इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है कि यहां पर लगभग सभी जो फैंस हैं उनकी वोटिंग लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, लोगों ने दूसरे फोनों से वोटिंग करना शुरू कर दिया है, वोटिंग में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सभी के बावजूद वोटिंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो मनीषा रानी तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने के 3 मिलियन वाली लाइन में अपनी एंट्री दर्ज करवा ली है। जी हां दोस्तों, लगभग 32 लाख वोटों के साथ मनीषा रानी थर्ड रैंक पर है, जबकि फोर्थ और फिफ्थ पर पूजा भट्ट और बेबिका है, जिनकी की वोटिंग में कुछ खास घंटा फर्क नहीं दिखाई दे रहा और इन दोनों की वोटिंग बिल्कुल रुक सी गई है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से फैंस अपना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं वो वाकई काफी तारीफ काबिल है। फुकरा भाई और एल्विस भाई को जिस तरीके से फैंस ने प्यार दिया है वो बिग बॉस के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, और जब घर के बाहर आएंगे और इन लोगों को पता चलेगा कि लोगों ने इनको कितना प्यार दिया है, जनता ने इनको कितना प्यार दिया है, तो वाकई ये अपनी हार और जीत को भूलकर उस प्यार के लिए खुशियां मना रहे होंगे। जी हां दोस्तों, भले ही ट्रॉफी को एक जीतेगा, लेकिन जिस तरीके से जनता का दिल दोनों ने जीता है वो वाकई काफी तारीफ काबिल है। फिलहाल दोस्तों, अभी तक आपकी अगर वोटिंग की लिमिट पूरी नहीं हुई है तो लगातार वोट करते रहिए, घर में जितने भी फोन है सबसे वोट कर दीजिए और बिग बॉस की हिस्ट्री का यानी कि एमसी स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। फिलहाल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।